डियर स्टूडेंट, आई एम योर फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ फिजिक्स के चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इकोस्टेटिक्स। द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड इकोस्टिक्स। द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड इकोस्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम आवाज़ की स्टडी करते हैं, उसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की, तो इसको हम इकोस्टिक कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। आवाज़ कैसे पैदा की जाती है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। इसका आंसर है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग बॉडी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज। द एयर अराउंड देम ऑल्सो वाइब्रेट्स एंड द एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, इन अ गिटार साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। आवर वॉइस रिजल्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स also produce sound waves. Doctor use stethoscope to hear this sound. Dear students, हमने यहाँ पर देखा कि sound vibrating body से पैदा होती है और इस body की vibration से इसके इर्द गिर्द हवा वो भी vibrate करना शुरू हो जाती है, और जब ये vibrating air हमारे कानों से टकराती है तो हमें सेंसेशन ऑफ साउंड महसूस होती है। और इसकी एग्जांपल में है कि गिटार, ये जो गिटार की तारें होती हैं, जब उनको हम उंगली से वाइब्रेट करवाते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह हमारे वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ आती है। इसी तरह इंसानी दिल, लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स भी वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा करते हैं, जिनको डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग बॉडी। हमने एक्सप्लेन करना है कि साउंड प्रोड्यूस होती है जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए स्कूल में एक ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल होता है, जो ये यू शक्ल का बना होता है और इसके नीचे एक स्टेम होती है जिसको हाथ से पकड़ लिया जाता है। जब इस ट्यूनिंग फोक के एक सिरे को किसी रबड़ पैड पर मारते हैं तो यह ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और एक बहुत ही बारीक सी आवाज़ सुनाई देती है। अगर हम इस ट्यूनिंग फोक के एक प्रांग्स को, यानी एक सिरे को, किसी हल्की सी बाल के साथ टच करें तो वो बाल दूर हट जाएगी, जो ये जाहिर करती है कि ये ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा था। और अगर इस ट्यूनिंग फोक के एक सिरे को पानी से टच करें तो पानी के छींटे उड़ना शुरू हो जाएंगे, जो ये जाहिर करेंगे कि ये ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है। जिसके लिए ये लिखा हुआ है, इन स्कूल लेबॉरेटरीज वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फोक टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर साउंड। इफ वी
strike the tuning fork against rubber hammer. The tuning fork will begin to vibrate. We can hear the sound produced by tuning fork by bringing it near our ear. We can also feel the vibration by slightly touching one of the prongs of the vibrating tuning fork with the plastic bar suspended from a thread. Touch the ball gently. The prongs of vibrating tuning fork. The tuning fork will push the ball because of its vibration. Now, if we dip the vibrating tuning fork into glass of water, we will see a splash. From this activity, we can conclude that sound is produced by vibrating bodies. So, dear students, आज पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन इकोस्टिक्स, जिसका आंसर था द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड इकोस्टिक्स. दूसरा था हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड. तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, और इसकी एग्जांपल थी कि जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो अपने इर्द गिर्द की हवा को भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, और फिर ये वाइब्रेटिंग एयर हमारे कानों से टकराकर हमें आवाज़ का एहसास दिलाती हैं. जिस तरह गिटार की तार जब वाइब्रेट करती है तो आवाज़ पैदा होती है, जब हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ पैदा होती है. इसी तरह ह्यूमन हेड जब वाइब्रेट करता है तो आवाज़ पैदा होती है. इस तरह हमारे लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स वाइब्रेट करते हैं जिससे आवाज़ पैदा होती है, और डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से इस आवाज़ को सुनती हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सप्लेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, और इसकी एक्टिविटी है कि स्कूल लेबॉरेटरी में एक डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है जिसको ट्यूनिंग फोक कहते हैं, और ये एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा करता है. जब हम इस ट्यूनिंग फोक को किसी रबड़ के हथौड़े से टकराते हैं तो ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, और जब हम इसको अपने कान के नज़दीक लेकर आते हैं तो हमें एक ख़ास आवाज़ सुनाई देती है, और इसकी वाइब्रेशन ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन को हम इस तरह से भी फील कर सकते हैं कि अगर हम इसको टच करें किसी प्लास्टिक बाल के साथ जो हवा में लटकी हुई हो किसी धागे की मदद से, तो जैसे ट्यूनिंग फोक बाल को टच करेगा तो बाल दूर हट जाएगी. क्यों दूर हट जाएगी? क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा था ट्यूनिंग फोक, और जैसे ही इसने बाल को टच किया तो बाल दूर हट गई. इस तरह अगर इस ट्यूनिंग फोक के एक सिरे को किसी पानी के गिलास में डुबोएं तो पानी के छींटे उड़ना शुरू हो जाएंगे, जो ये जाहिर करती हैं कि ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है. तो इस एक्टिविटी से हमने ये साबित किया कि साउंड उस वक़्त पैदा होती है जब कोई जिस्म वाइब्रेट कर रहा हो. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, डिफाइन एकोस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, आवाज़ कैसे पैदा होती है, और हमने 2-3 एग्जांपल भी लिए, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 था कि हमने एक्सप्लेन करना था कि आवाज़ उस वक्त पैदा होती है जब कोई जिस्म वाइब्रेट कर रहा हो, और ये हमने स्कूल लेबॉरेटरी में ट्यूनिंग फोक जो है उसकी मदद से ये साबित किया कि आवाज़ उस वक्त पैदा होती है जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन आपने याद करने हैं और इनको कॉपी पे नोट करना है,
और यही आज आपका होमवर्क है।